So let's see our next question. We have to prove that this 4 times of tan inverse 1 by 5 minus tan inverse 1 by 239 is equals to हमारे पास 5 by 4 आएगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हमारे लिए कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है, बस इस क्वेश्चन में हमारे पास कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा होने वाली हैं और एक ही फॉर्मूले को हम लोग कई बार अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोग इस क्वेश्चन को अपने आप कीजिए, यहाँ पे आप लोग समझिए कि आप इस क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, ऑलराइट? तो ध्यान से देखिए, हमारे पास है 4 टाइम्स ऑफ टैन इनवर्स 1 बाई 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंड देन 2 टाइम्स ऑफ अगेन टैन इनवर्स 1 बाई 5 एंड माइनस में आपके पास है टैन इनवर्स 1 बाई 239, ऑलराइट? सो आप लोग इसको बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंड दिस विल बी टैन इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ 1 बाई 5 एंड देन 1 माइनस में 1 बाई 25, ओके? ध्यान से देखिए आपने फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, बिकॉज 1 बाई 5 इंटू 1 बाई 5 करने पे आपके पास लेस देन 1 ही मिलेगा, तो आपके पास यही फॉर्मूला एप्लीकेबल है यहाँ पे, एंड देन माइनस में आपके पास हो जाएगा टैन इनवर्स 1 बाई 239। देन ध्यान से देखिए, अगेन आपके पास यहाँ बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टैन इनवर्स एंड समथिंग, ओके? एंड माइनस में आपके पास यहाँ आ जाएगा टैन इनवर्स 1 बाई 239। देन ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिर से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। बस आपको माइंड में रखना है कि यहाँ पे x इंटू y करने पे आपको लेस देन 1 मिल रहा है या फिर ग्रेटर देन 1 मिल रहा है, ऑल राइट? सो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास अगेन आएगा कुछ tan इनवर्स समथिंग एंड माइनस में आपके पास यहाँ पर है tan इनवर्स 1 बाई 239। नाउ फाइनली आप लोग अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, जो आपको दे देगा टैन इनवर्स। अब ध्यान से देखिए, आपको अगर यहाँ पे पाई बाई 4 पुट करना है, प्रूफ करना है मीन, तो आप लोगों को यहाँ पे हमेशा 1 ही मिलना चाहिए। अगर 1 नहीं मिल रहा तो गड़बड़ हो रही कहीं ना कहीं पर, ठीक है? तो देखिएगा, आपको 1 मिलेगा यहाँ पे, जिसको आप बोल सकते हैं टैन इनवर्स टैन पाई बाई 4 एंड दिस कैन बी रिटन एज पाई बाई 4, ऑल राइट? जो आपको प्रूफ करना था और वही आपका आंसर हो जाएगा, ओके? सो कैलकुलेशंस यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए मैं सवाल को आपके लिए नहीं करा रहा, आप लोग खुद ही सॉल्व कीजिए ताकि आपका टाइम बच सके और आपकी प्रैक्टिस भी हो सके कैलकुलेशन में। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, इसको प्लीज़ आप लोग अपने आप कर लीजिए, ओके?